हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन आल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं, और ये वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए। अगर आप असम से बिलोंग करते हैं 85% स्टेट कोटा से, और अगर नहीं करते तो इसको देख कर आप अपने स्टेट की भी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप इसमें से जान सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आप इससे ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन या अपडेट आती है तो आप मिस ना कर पाएँ। तो वाइज, असम स्टेट ने अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो भी रिलीज़ कर दी है। उसके साथ ही एक नोटिस जो है उन्होंने रिलीज़ करा है, और उसके अलावा जो 12 स्पेशल प्रकार के कोटाज होते हैं, अगर आप उनको क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो गाइज, इस वीडियो में आपको बताऊँ कि वो 12 स्पेशल कोटाज है कौन कौन से। तो आप बाकी स्टेट्स के भी तो आपको पता, आप जान सकते हैं कि हमारे स्टेट में भी ये नंबर कब आएगा और कौन कौन से प्रकार के वो कोटा होते हैं। इसमें ये ओनली कोटा क्लेम करने के लिए है जो एप्लीकेशन फॉर्म है। जो बाकी काउंसलिंग वगैरह की फॉर्म आएंगे वो 19 जून 2019 से भरे जाएंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, dme.assam.gov.in ये वेबसाइट आपको अपने ब्राउज़र पर डालनी है। ये असम स्टेट की वेबसाइट है MBBS और BDS के लिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए लास्ट से पहले आपको दिखेगा एडमिशन नोटिस एंड ऑर्डर। तो आपको एडमिशन नोटिस एंड ऑर्डर पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आपके सामने कुछ ऐसे खुलेगा, और उसमें आपको लास्ट में टॉपिक्स टाइटल्स पर जाना है। और जो टाइटल्स पर सबसे ऊपर है एजुकेशनल नोटिस कोटा क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म MBBS BDS कोर्सेज सेशन 2019। तो गाइस, ये कोटा क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिस यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हैं। इसमें है क्या मैं आपको बता, उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा एक PDF फॉर्मेट आपको दिखेगा, और जैसे ही डाउनलोड होता है इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ आसाम, इसका नोटिस है और इस पर फॉर्म भी है। तो इसमें कौन कौन से कोटा आते हैं, ये 12 कैटेगरीज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब्स, हिल्स, इसमें स्पेसिफाइड भी हो रखा है कि कौन कौन से कोटाज हैं। तो इन अगर आप इन 12 कोटाज में आते हैं तो आपको इस फॉर्म को फिल करना चाहिए ताकि आपका कोटा क्लेम हो सके। मैं गाइस बार बार कह रहा हूँ, ये फॉर्म ओनली कोटा क्लेम करने के लिए, काउंसलिंग के लिए नहीं है। सेकेंड है जो शहीद है आसाम मूवमेंट कोटा के वो, और एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस कोटा, चार एरिया कोटा, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर्स, मोरान कम्युनिटी, मोटक कम्युनिटी, TGL, XTGL कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, दिव्यांग यानी कि जो डिसेबिलिटीज पर्सन वाले होते हैं वो कोटा, और रैंक होल्डर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ AHSEC आसाम 2019। तो वैसे ये 12 प्रकार के कोटे हैं, अगर आप इसमें से किसी भी एक प्रकार के कोटे में अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी स्टेट्स में लगभग जो भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताता रहूँगा, किसी और स्टेट में होगी तो ये, अगर ये असम वाले में हो रही है तो ऑब्वियसली ये और किसी में भी हो सकती है, क्योंकि कुछ तो स्पेशल कोटा होते हैं, जैसे जो शहीद हैं वो ओनली असम वालों के लिए है। तो ऐसी हर स्टेट अपना अपना बना सकता है। इसके अलावा अगर आप इन 12 में आते हैं तो इसके नीचे आपको एक फॉर्म दिया गया है, आप इस फॉर्म को फिल करके नीचे आपको जो एड्रेस है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन असम जो ऊपर लिखा हुआ है 6 माइल खानापारा गुवाहाटी 22 यहाँ पर आप सबमिट करा सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट 19 जून 2019 है। तो गाइस आप 19 तारीख से पहले ज़रूर उसको फिल करके जमा करा दीजिए अगर आप इस कोटे में, इन 12 प्रकार की में से एक किसी भी एक कोटे में आते हैं तो। इसके अलावा गाइस MCC की काउंसलिंग के फॉर्म भी 19 तारीख से अवेलेबल होंगे, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी थी। साथ ही कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी की भी स्टेट कोटा की ये लिस्ट आ चुकी है, इसके अलावा असम की मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। तो गाइस जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।